हमेशा रोने वाली ननद। महिमा के ससुराल में सब परफेक्ट था, लेकिन फिर भी उसे तो लगता था कि जीवन में अगर कोई खुश है तो सिर्फ उसके मायके वाले। क्या है माँ, कहाँ शादी करा दी मेरी, मेरा तो जीवन ही बर्बाद कर दिया। तभी वहाँ महिमा की भाभी आती है। वाह भाभी, कितनी सुंदर साड़ी है, मेरे पास तो कपड़े भी कायदे के नहीं है। कैसी बात कर रही हो महिमा, तुम्हारी साड़ियाँ तो सारी बॉलीवुड स्टार वाली है, उल्टा तुम तो बहुत महंगे कपड़े पहनती हो, ये साड़ी भी लाखों से कम की नहीं होगी। अरे भाभी हाँ, कैसे पता आपको, मनीष मल्होत्रा की डिज़ाइन है, लेकिन भाभी आपकी वाली ना ज़्यादा अच्छी है। पर ये तो मैंने शनि बाजार से खरीदी थी 300 रुपये में। अरे तो क्या हो गया, उसे पसंद आ गई है तो दे देना उसे। मेरे लिए तो किसी के पास पैसे और प्यार है ही नहीं। भाभी को बड़ा अजीब लगता है कि जिस लड़की ने इतने महंगे डिजाइनर की साड़ी पहनी है वो 300 रुपये की साड़ी के लिए रो रही है। अगले रोज, सुनिए जी, मेरे भाई का तबादला बड़े शहर हो गया है, अब वो इस छोटे से शहर में नहीं रहेगा, हम भी चलते हैं ना बम्बई। लेकिन महिमा, यहाँ मेरा जमा जमाया काम है, लाखों की कमाई है, नए शहर में ना तो मैं जाऊँगा ना ही मेरे माता पिता। महिमा फिर रोना धोना शुरू कर देती है। चलो ना, वहाँ भी कोई ना कोई काम मिल जाएगा, अरे बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं वहाँ, कोई काम मैं भी कर लूँगी ना। तभी वहाँ महिमा की सास आ जाती है। अरे तू क्या कर लेगी, यहाँ तो एक पराठा बनाया नहीं जाता, और ये करोड़ों का बंगला इसलिए नहीं बनाया कि बाहर जाकर कुछ और काम करें। महिमा पैर पटक कर वहाँ से निकल जाती है। दिन भर रोती रहती है ये, इसको बोलो कम से कम खुश तो रहा करे, अरे कईयों को तो ये भी नहीं मिला, हमेशा दूसरों को ही खुश समझती है। हाँ माँ, क्या नहीं किया इसके लिए, ना जाने इसके रोने की आदत कब खत्म होगी। महिमा मायके चली जाती है और वहाँ जाकर, अरे महिमा अच्छा हुआ तू आ गई, वो क्या है ना घर शिफ्ट करना है, तो जरा अपनी भाभी का हाथ बटा दे। लेकिन माँ मैं तो काम करना जैसे भूल ही गई हूँ, अब क्या बताऊँ, तुम लोगों जैसा आराम तो उस ससुराल में मेरे है ही नहीं, कोई काम करो तो कोई ना कोई नौकर आ जाता है। अरे माँ क्या बताऊँ, वहाँ तो पौधों में पानी डालने जाओ ना तो भी माली आ जाता है। बीवी जी रहने दो, मैं हूँ ना, हर कोई है माँ उस घर में, बस मैं ही नहीं हूँ, क्यों मेरी जिंदगी खराब करवा दी माँ। महिमा के मायके वाले उसकी बात सुनकर हैरान हो रहे थे कि आखिर ये लड़की किस बात पर खुश होगी, लेकिन कहते हैं ना रोने की आदत तो रोने की होती है। फिर एक रोज, सारा दिन बाल झड़ता रहता है, लग रहा है कि कुछ दिनों में टकली ना हो जाऊं, 4 बाल बचे हैं सिर्फ सर पर। ठीक है माँ जी, आप मुझे देखिए कितना परेशान रहती हूँ, सर भर के बाल हैं, सारा दिन उन्हें धोना सुखाना सुलझाना बनाना, हाय रे मैं तो परेशान ही रहती हूँ इन बालों से। आप तो बहुत लकी हो, कम से कम बाल नहीं है आपके, मुझे देखिए मैं कितनी परेशान हूँ इन बालों को लेकर। सास तो सर पर हाथ रख लेती है कि ये लड़की किसी भी चीज़ में खुश नहीं है। फिर एक रोज, जब से मेरा मायका मुंबई शिफ्ट हुआ है ना, मैं माँ से मिलने ही नहीं जा पा रही हूँ, आपकी बहन को देखो हर दूसरे दिन मायके में होती है, और यहाँ मैं। हाँ लेकिन उसका ससुराल बगल में ही तो है, और जब तक तुम्हारा मायका था तो तुम भी तो रोज ही जाती थी ना। फिर बहू तेरा मायका अभी पिछले हफ्ते ही तो शिफ्ट हुआ है, उन लोगों को सेटल हो जाने दो। लेकिन माँ जी मुझे तो याद आ रही है माँ की, मैं कैसे रह रही हूँ उन लोगों के बिना आप समझ नहीं सकती, आपकी बेटी तो रोज रोज आ जाती है ना। अरे अभी इसमें भी रोना है क्या तुझे, तू भी तो रोज जाती थी मायके, भूल गई, जुम्मा जुम्मा 7 दिन हुए जो नहीं गई, और फिर मायके में ही रहना था तो ना करती शादी, वैसे बिना तेरे रोने की आदत से मैं तो परेशान हो चुकी हूँ। मैं रोती रहती हूँ, कैसी बात कर रही है माँ जी, मैं तो हमेशा ही देखती हूँ कि कैसे खुश रहना है। हाँ देखती तो हो कि दूसरे कैसे खुश हैं, लेकिन उनकी खुशी देखकर तुम परेशान रहती हो, है ना। महिमा को पति की बात पर गुस्सा आता है, अकेले में जाकर माँ को फोन करती है। क्या कर रही हो माँ? बेटा मैं तो रोटी बना रही थी, वो क्या है ना तेरी भाभी मायके गई है। ये भी अच्छा है, भाभी हर समय मायके ही पहुँची रहती है, अभी 6 महीने पहले भी तो गई थी ना। वैसे माँ 7 दिन हो गए मैं मायके नहीं आई, बहुत मन कर रहा है। अरे बेटा पास थी तो आ ही जाती थी, अब दूर है तो क्या करें हम।
माँ भाभी को ना आपकी कोई कदर ही नहीं है जो छोड़कर निकल गई मायके। वैसे माँ मैं भी आ रही हूँ मायके, कम से कम कोई तो तेरी सेवा करे। कैसे करेगी इतना सारा काम? महिमा कमरे में जाती है और सामान पैक करने लगती है। क्या बात है बहू, तो कहीं जा रही है क्या? मम्मी के घर जा रही हूँ, बहुत दिन हो गए। अच्छा ठीक है बेटा, पर वो क्या है ना, घर के सारे नौकर छुट्टी पर है, तो मैं ये कह रही थी कि मैं अकेले कैसे संभाल पाऊंगी, तो कुछ दिन के लिए रुक जाती तो। कैसी बात कर रही है माँ जी, वहाँ मेरी भाभी भी मायके चली गई है, मैं जा रही हूँ, आप दीदी को बुला लो। तभी महिमा की ननद आ जाती है। नहीं भाभी, मैं तो अब एक महीना नहीं आ पाऊँगी, वो क्या है ना, गांव से मेरी सास आ रही है, सास की सेवा करनी है, उनको खिलाने पिलाने की सारी जिम्मेदारी मेरी ही तो होती है। अरे तो तुम अपनी ननद को बुला लो ना। बहू तू रहने दे अब, जा तुझे जाना है ना, हम देख लेंगे यहाँ कैसे क्या करना है। बहू तो निकल जाती है, लेकिन जाते जाते, आप लोगों का अच्छा है घर में मैं नहीं हूँ ना, तो बहुत मज़े करेंगी, आप दोनों माँ बेटी हैं ना। अरे भाभी तो रुक जाओ ना, ये क्या बात होती है, आपको मायके जाने की खुशी नहीं है, लेकिन घर में मैं और माँ अकेले हैं, मज़े करेंगे इसका दुख है? ससुराल मायके सभी जगह महिमा के रोने से सब परेशान थे, वे चाहते थे कि वे लोग किसी तरह उसे ठीक कर दे, लेकिन कैसे फिर मायके में। अरे महिमा दीदी आप कब आई, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? क्या है भाभी, भाई ने भोपाल क्यों छोड़ा, कहीं आपका मायका मुंबई में है इसलिए तो नहीं? तभी भाई आ जाता है। उसके मायके के लिए मैं भोपाल क्यों छोड़ दूंगा महिमा, वो तो अच्छा ऑफर था इसलिए छोड़ा, जानती हो ना तुम। और वैसे भी मैं कौन सा मायके जा पाती हूँ, आपके घर में तो नौकर चाकर है, मुझे खुद ही अपना सारा काम करना पड़ता है, माँ जी कितना करेंगे अकेले, ये सोचकर मायके भी नहीं जाती हूँ। नौकर चाकर कहाँ, वो तो सारे छुट्टी पर गए हैं। अरे फिर तो बेटा तुझे नहीं आना चाहिए था, तेरी सास अकेले कितना काम कर सकेगी। लेकिन महिमा को किसी की बात समझ में नहीं आती है, उसे तो बस मायके में भाभी की किस्मत सबसे अच्छी लगती है, और सबसे ज्यादा दुखी वो खुद को ही समझती है। भाभी कमरे में जाती है और महिमा भाई से कहती है, देखा आपकी बहन फिर आ गई, समझ में नहीं आता है कितना ऐशो आराम है इसके ससुराल में, लंबी लंबी कार, मोटे गद्दे में सोना, ऊपर से नौकर चाकर, लाखों की तो साड़ियां होती है, गहने इतने की क्या बोलना, लेकिन फिर भी खुश नहीं है। इसके बचपन से ही आदत है रोने की, हम लोग तो समझते हैं लेकिन ससुराल वाले बेचारे। लेकिन अब कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, रुकिए मैं ही कोई जुगत लगाती हूँ। भाभी सोच चुकी होती है कि अब तो यहाँ से महिमा को ठीक करके ही भेजेगी। फिर अगले रोज, बेटा महिमा जरा तेरी कोई पुरानी साड़ी भाभी को दे दे, उसे शाम को शादी में जाना है, वहाँ लड़की को चढ़ावा देना है। पुरानी साड़ी क्यों, नई लेकर दे दो। अरे वो किसी की बेटी की शादी है, तुम भी चलो ना महिमा। शाम को दोनों भाभी ननद शादी में जाते हैं। भाभी ये कैसी शादी है, ना ही बैंड बारात, ना बाजा, ना लाइट, ना खाना। महिमा गरीब लोग हैं, इनके पास लड़की को शादी वाले दिन पहनाने के कपड़े भी नहीं है। हम लोग बहुत लकी हैं कि हम लोगों के पास जीवन चलाने लायक पैसे तो हैं। फिर अगले दिन, भाभी ये कौन है जो माँ से रो रो कर बात कर रही है। महिमा इसके ससुराल वालों ने इसे निकाल दिया है, वो क्या है ना, इसके ससुराल वाले बहुत लालची हैं, बात बात पर पैसा मांगते थे, जब ये पैसे नहीं दे पाए तो घर से निकाल दिया। अब उस बेचारी के पास रहने को ना मकान है ना पति का प्यार। ये सब देखकर महिमा सोच में पड़ जाती है। क्या हो गया महिमा, क्या सोच रही हो? माँ मुझे ना घर जाना है, इनके पास कोई नहीं है, घर में नौकर भी छुट्टी पर है। माँ जी वैसे तो कुछ नहीं कहती, लेकिन उनका ख्याल मुझे ही रखना है। सही कह रही हो महिमा, हमारे पास जो है ना वो बहुतों के पास नहीं है, तो हर बात पर रोना ठीक नहीं है। हाँ भाभी, अब मैं देख सकती हूँ कि मैं तो सबसे ज़्यादा लकी हूँ। थैंक्स भाभी।